इट एक्चुअली मैप आउट योर होल रिसर्च प्रोग्राम। जैसे आप एक मकान बनाना चाहते हो ना, तो उस मकान को बनाने से पहले आप क्या बनाते हो, उसका नक्शा बनाते हो, उस नक्शे के मुताबिक फिर मकान बनता है। तो जब आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाती है या आपके घर का नक्शा बन जाता है, अब डिज़ाइन जब बना लेते हो किसी चीज़ का, तो इट मीन्स मोर देन 50-60% ऑफ योर वर्क इज़ डन। अब इसके बाद जो है, सिर्फ आपने उस नक्शे को फॉलो करके उसके ऊपर बस कंक्रीट डालना है और उस मकान को बना लेना है। इसी तरह से जब रिसर्च प्रपोजल बनानी होती है या जब टॉपिक की चॉइस करनी होती है, तो बाज़ लोग इसको एक दिन में 2 दिन में करना चाहते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक आपके एमफिल का थीसिस, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल 8 महीने से 1 साल का टाइम जिसके लिए अमूमी तौर पर रखा जाता है, इतने अरसे में आपने अपने एमफिल का थीसिस जो है वो बना लेना है। तो एमफिल का थीसिस लिखने में 1 साल है, और 60% ऑफ द थीसिस एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, ये लॉजिकल बात नहीं लगती, ये पॉसिबल नहीं लगता। और जब अक्सर औकात ये होता है कि आपका जो थीसिस है वो, उसमें मुश्किलात आपको पेश आती हैं, प्रपोजल या टॉपिक आपके अप्रूव हुआ होता है, बट आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि अब इसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी कैसे करूं, चैप्टर्स में डेटा कहाँ से लाऊं। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रिसर्च प्रपोजल इल प्रिपेयर्ड की होती है, उसके जो स्टेप्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं किया होता, तो उनके साथ ये इशू होता है कि जब वो थीसिस स्टेज पे चले जाते हैं तो उसके बाद उनसे थीसिस हो नहीं पाता। और मैं अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो भाग जाते हैं फिर रिसर्च के फेज़ में, या उनका काम इतना लेट हो जाता है, वो टाइमली होता नहीं। तो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कोई भी टॉपिक चूज करने से पहले। एक, आपने प्रैग्मेटिक होना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है कि किस हद तक आपका टॉपिक आपके बस की बात है, पहली बात। दूसरा, आपका जो टाइम फ्रेम है कि आपके पास वक्त कितना है और इस वक्त के अंदर आपने ये टॉपिक जो है उसको कवर करना है। तो अब टॉपिक कहाँ से आता है? क्या टॉपिक का सोलली रिफ्लेक्शन का नतीजा है कि मैं बैठूं और मैं सोचना शुरू कर दूं और मैं कहूं मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए या उस टॉपिक पे काम करना चाहिए? ऐसा नहीं है। टॉपिक का सोलली रिफ्लेक्शन का नतीजा नहीं होता, क्योंकि ये किसी नावल का टॉपिक नहीं है, किसी कहानी लिखने का आइडिया नहीं है, ना ये कोई नज्म, नहीं ना कोई नई गज़ल, नया शेर कहने का है, बल्कि ये साइंटिफिक रिसर्च है। और साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, जो साइंसी इल्म होता है, साइंटिफिक नॉलेज होता है, उसका एक फंडामेंटल, एक बुनियादी जो फीचर है, उसकी खसूसियत होती है, वो क्या होती है कि इट इज़ क्यूमिलेटिव। क्यूमिलेटिव नॉलेज कौन सा होता है? क्यूमिलेटिव नॉलेज उसको कहते हैं कि जो नॉलेज के ब्लॉक्स पहले से मौजूद हैं, जो पहले से नॉलेज हासिल हो चुका है, उस नॉलेज के ऊपर आप क्यूमिलेट करते हो, उसके ऊपर इकट्ठा होता रहता है। यानी नॉलेज के ऊपर नॉलेज इकट्ठा होता है। आप बिल्कुल एक अलग किसी आइसोलेशन में आउट ऑफ नो वे जाके कोई नई बात नहीं कर सकते, बल्कि जो आपकी बात होती है वो लिंक्ड होती है आपसे पहले की गई जिन लोगों ने बातें की हैं, जिन लोगों ने जो तहकीक की है, उस तहकीक के साथ उसका लिंक्ड होना लाजमी है। अब ये लिंक्ड होना क्यों लाजमी है? क्योंकि जब आप एक थीसिस करते हो, चाहे वो एमफिल का थीसिस हो या पीएचडी का हो या बीएस का हो, और आप कहते हैं मैंने तहकीक की है, तो आपकी तहकीक जो होती है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रीब्यूशन इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, के जो भी इल्म इससे पहले मौजूद है आप उसमें इजाफा करना चाहते हैं। अब आप इल्म में इजाफा करना चाहते हैं जो मौजूद इल्म है, तो आपको कैसे पता चला कि पता चलेगा कि मौजूद इल्म है कौन सा? इसका मतलब है कि जिस भी टॉपिक पे
जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें पहले से कुछ लोगों ने रिसर्च की होगी, या वो बिल्कुल बैरन लैंड है, उस पर कभी किसी ने की नहीं, किसी का ख्याल ही नहीं है। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में किसी ने रिसर्च की है या नहीं की है? देखें, आप पहले टॉपिक पे नहीं सोचेंगे, यू विल थिंक अबाउट द एरिया। आप अपने लिए जो रिसर्च का या इंक्वायरी का जो एरिया है उसको ढूंढते हो, उसको उसके बारे में डिसाइड करते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मसलन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो ब्रॉड एरियाज आते हैं, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, एक इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, इसके अंदर फिर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे एरियाज आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, इसी तरह से गवर्नेंस है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स है। ये सब एरियाज हैं, और फिर इन सब एरियाज में से कहीं आपका टॉपिक निकल रहा होता है, तो आपने सबसे पहले तो ब्रॉडर एरिया में डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी साइड जाएंगे। जैसा कि आप लोग पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तान स्टडीज़ का डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का डिसिप्लिन है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्तिजाज से मिलके बनता है। तो आपने जो आपकी फील्ड के पाकिस्तान स्टडी के ब्रॉड एरियाज हैं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फील्ड के ब्रॉड एरियाज कौन से हैं। होपफुली आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकता हूँ। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी विच आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च इन पाकिस्तान स्टडीज, फिर उसके बाद हम आगे चलें नेक्स्ट स्टेप पे। कौन बताना चाहेगा ब्रॉड एरियाज को? जी प्लीज। अब आई डोंट नो, मैं अकेले बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं? ओके ओके, सो हु इज देयर? साजिदा शाह। वट आर द ब्रॉड एरियाज? अली, कैन यू टेल अस? ओके अली खान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, फाइजा इज जॉइंड अस आल्सो। आसिफ, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ऑफ कोर्स सर, ओके, तो कैन यू टेल अस व्हाट आर द ब्रॉड एरियाज इन योर माइंड? सर जी डोंट हैव एनी आइडिया, सॉरी सर। यू डोंट हैव एनी आइडिया। तो अली हैज रिस्पॉन्डेड, अली ने कहा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जैनब ने कहा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। ओके, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, गुड। ओके ओके जी, सो ये कुछ आप लोगों ने, ओके राइट, द पर्पज वाज टू सी वेदर यू आर फॉलोइंग मी आर नॉट। ये बहुत अच्छा है, आप लोगों ने जो रिस्पांस आपने दिया है, वेरी गुड। जो ब्रॉड एरियाज हैं उसमें एक आ जाती है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, फिर पॉलिटिक्स के अंदर ही डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है,
ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ एरियाज फिर उस पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो एक ब्रॉड एरिया है वो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, लेकिन इसको अगर हम मज़ीद, ये जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है, ये खुद एक और ब्रॉडर एरिया के अंदर फॉल करती है, एंड दैट इज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान स्टडीज़ में जिन एरियाज़ में आपने रिसर्च करना है, उसमें दो तरह के ब्रॉड एरियाज़ हैं, एक हैं आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ और दूसरे हैं आपके इंटरनेशनल इश्यूज़। तो हम ब्रॉडली अगर कहेंगे तो हम कहेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं उन पे रिसर्च हो सकती है आपकी, और दूसरा हो सकती है आपकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। जब आप इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। वी एक्चुअली वुड बी सर्चिंग फॉर अ टॉपिक और फॉर एन एरिया विच फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर लेंस से एक खास स्टैंड पॉइंट लेके देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसके साथ है। अब ये दो ब्रॉड एरियाज आपके जो बहुत वाइड और बहुत ब्रॉड एरियाज आते हैं, अब इनको अगर आप देखें तो इनके अंदर फिर सब कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं। मसलन जब आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आ जाती है बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। मसलन इसके अंदर जो टॉपिक्स निकलते हैं वो पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर स्टेट्स के मुख्तलिफ टॉपिक, मसलन पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना, या पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स चाइना, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स टर्की, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स नेपाल, जिस जिस के साथ भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ जिन जिन मुल्कों में पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिसेज खोले हुए हैं, और पाकिस्तान मुख्तलिफ लेवल्स पे इंटरेक्ट करता है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स इसराइल भी हो सकती है, अगरचे पाकिस्तान जो है उसने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, तो पाकिस्तान को कोई फॉरेन ऑफिस भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्या जो उसको रिकग्नाइज ना करना है, इस क्वेश्चन को हाउ इट इज़ बीइंग डेल्ट इन पाकिस्तानी एकेडमिया और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, किस हद तक डिबेट इस पे अलाउ है, ये चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक एरिया आ गया आप एक किसी सिंगल मुल्क के साथ, किसी एक सिंगल स्टेट के साथ रिलेशन की बात करते हैं, या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, एक फॉरेन पॉलिसी का कॉन्टेक्ट, दूसरा आप बायलैटरल रिलेशन के कॉन्टेक्स में दो मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से भी कर सकते हैं। मसलन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया, या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अब उसमें स्पेसिफिक आपको टाइम पीरियड फिर देना होता है, उस पर हम बाद में डिलिमिटेशन ऑफ स्टडी में आएंगे तो बात करेंगे। तो एक एरिया आ गया फॉरेन पॉलिसी का सिंगल स्टेट्स के साथ ताल्लुक के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा जो है पाकिस्तान जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो प्ले करता है, तो पाकिस्तान सिर्फ एक एक मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास। मसलन पाकिस्तान रोल इन ECO, पाकिस्तान रोल इन यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ एजेंसीज में जो पाकिस्तान रोल प्ले करता रहा है। तो जो मुख्तलिफ मल्टी नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी मुल्कों के आपस में मिलाप की वजह से जो बनी हुई हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान का उनमें एज मेंबर रोल, या एक कलेक्टिव होल की तरफ, जैसे यूरोपियन यूनियन है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यूरोपियन यूनियन की तरफ क्या है, या पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात किस तरह के हैं, या पाकिस्तान के आसियान के मुल्कों के साथ किस तरह। तो आप एक एक मुल्क के साथ भी ताल्लुकात को एक बंच में मुल्कों के साथ, स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को, या रीजन्स की तरफ भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया, फार ईस्ट एशिया, इधर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ब्रॉडर कंटूर्स क्या हैं, और पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं जो इन इन मुख्तलिफ रीजन्स के साथ एसोसिएटेड हैं।
इस तरह से फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक आप सिंगल मुल्कों के साथ और एक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और तीसरा जो है वो जियोग्राफिक जो रीजन्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको ढूंढ सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। तो ब्रॉडर अब आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी की तरफ है, बायलैटरल रिलेशंस की तरफ है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ उनमें आपका इंटरेस्ट है, आपका अपना ज़ाती इंक्लिनेशन किधर है। और इस इंक्लिनेशन का पता आपको कैसे चलता है कि आप जब व्हेन यू गो थ्रू रीडिंग्स, जब आप लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं तो आपको डोमेस्टिक इश्यूज पे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या बुक्स हैं वो इतनी आसानी से अगर नहीं समझ आती, और जो इंटरनेशनल इशूज़ पे हैं, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, अगर वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आसानी से समझ आती हैं, तो इट मींस यू हैव दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो आप उसकी तरफ फिर जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक ब्रॉडर एरिया डिसाइड करना आपके लिए लाजमी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो दूसरा एरिया है वो क्या है जी, वो डोमेस्टिक पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं। अब जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो कौन कौन से इश्यूज हैं? डोमेस्टिक इश्यूज में आपके आ जाता है जो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें दो चीज़ें तो आपने बता दी, और बाकी लोग भी जो करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहरहाल कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। कल्चर के इश्यूज हैं, फिर आपके आ जाते हैं लैंग्वेज के इश्यूज, फिर आपके आ जाते हैं रीजन्स के मुख्तलिफ, जो पाकिस्तान जिन रीजन से मिल के बना है उनके इश्यूज हैं। तो विद इन दैट ब्रॉडर फ्रेम ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज देर आर मल्टीपल, हाँ अली खान, मिलिट्री इंटरवेंशन इनटू पॉलिटिक्स, तो ये यस ये पॉलिटिकल इश्यूज में आ गए हैं ना। एथनिसिटी, एग्जैक्टली, ये भी ठीक है, एथनिक प्रॉब्लम, एथनिक इश्यूज पे भी हो सकता है काम। रिलीजन, रिलीजन तो हमने, सेक्टेरियनिज्म या वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, यस एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो है उस पे काम हो सकता है, क्योंकि रिलीजन इटसेल्फ जो है वो इस्लामियात डिपार्टमेंट का काम हो जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो रिलीजन की किसी मैनिफेस्टेशन के हवाले से बात करेंगे तो देट कैन बी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी बात हो सकती है, जो मजहबी सियासी जमातें हैं, या जो एक्सट्रीमिज़म है उसको आप, टेररिज्म है, वायलेंस है, रिलीजियस वायलेंस है, ये मुख्तलिफ सब टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये दीज आर नॉट टॉपिक्स ऑफ एनी रिसर्च प्रपोजल, ये दीज आर टू ब्रॉड। आप ये टॉपिक आपका नहीं हो सकता रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, आपका ये टॉपिक नहीं हो सकता कि एथनिक इशू इन, एथनिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ये टॉपिक नहीं है, ये एरिया है। इसके अंदर से आपने टॉपिक निकालना होता है, टॉपिक बनाना होता है। अब ये टॉपिक कैसे बनता है, जब आप इन तमाम एरियाज को लिस्ट करें, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, एथनिक इशू को, एक्सट्रीमिज्म को, एक लिस्ट उन ब्रॉड एरियाज की बनाएं, और फिर उनमें से आप अपने लिए चूज करें कि आप किस पे, कल्चर पे काम करना चाहते हैं, विमेन इशू पे, जेंडर इशूज जो है वो भी एक उसके अंदर आता है, ब्रॉडर उसमें आता है, उसको आप टेक कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स के आप लोग किस पे काम करना चाहते हो। अच्छा, पर्सनली मेरी जो राय होती है वो इस हवाले से होती है कि आपकी कोशिश, अगर आप डोमेस्टिक इशूज़ पर काम कर रहे हैं तो आप लोग, यू हेल फ्राम डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और केपी के मुख्तलिफ रीजन्स के साथ आपका ताल्लुक है, तो आप इसी तरह एक ख़ास किसी जेंडर के साथ आपका ताल्लुक है, तो आई एम सजेस्ट, ये मेरी सजेशन है, इट्स अप टू यू, आप इसको मानते हैं या नहीं, कि आप अपने उन रीजन्स में जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लोकेलिटी, आपकी सोसाइटी, जिसके साथ आप डायरेक्टली लिंक्ड हैं, अगर उस उनसे रेलेवेंट चीज़ों पे टॉपिक आप अपने लिए एरिया डिसाइड करते हैं, तो वो एरिया जो है वो आप
एक तो उसका आपको पर्सनली फायदा होता है और आपकी सोसाइटी, आपके डाटा गैदरिंग, इंटरव्यूज, रिसर्च आपके लिए आसान हो जाती है। यस अली जाइनस, अली कुछ कहना चाहते हैं जी प्लीज। जी अली, हम तन गोश हैं, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कह दूं, अभी इसका टाइम ख़त्म होगा तो मैं मुझे इसको दोबारा से रीजनरेट करना होगा इस सेशन को। तो डू यू वांट मी टू रीजनरेट इट राइट नाउ, क्योंकि 8 बजे फिर मेरी एक और क्लास भी है एंड वी हैव 2 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स आज। जी अली, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में लिख लें। एंड इस ये जो टॉपिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन है, कैन वी कंटिन्यू इट टुमारो एट एट द सेम टाइम एट 7 o'clock। हमारे पास 1 मिनट 46 सेकंड है, आप जल्दी रिस्पांस करेंगे तो मुझे पता चलेगा। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके आसिफ, सर अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसको हम कल फिर इस क्लास को कंटिन्यू कर लें, yes, 7 o'clock। ओके शहनाज आपकी तरफ से भी, अली की तरफ से भी आ गया। ओके सो मोहम्मद इमरान, अभी हम जाने वाले, इसने भी हमें ज्वाइन किया। ओके एट द सेम टाइम से, यस एग्जैक्टली 7 o'clock। तो आप टाइमली आ जाएंगे 7 o'clock, तो हम इसको एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है जी, ये किसी भी वक्त बंद हो जाएगा ये सेशन आपका भी। तो ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। ये कुछ ब्रॉड चीज़ें थी, कल आप अपने अगर आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ आप ले लीजिएगा। ये जो लेट ज्वाइन किया है इमरान आप लोगों ने, तो मैं इसको, मैंने रिकॉर्डिंग पे कुछ हिस्सा इसका लगाया था, शायद हो चुका हो, आई विल अपलोड इट माय यूट्यूब चैनल, आप इसको देख सकते हैं हमारी डिस्कशन को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आई अपलोड इट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अपलोड इट। ओके, आप बोले ऑन जालमो, पहले आपकी आवाज नहीं निकल रही।